मानव सम्मान के योग। हमारे मंच पर कुराना गौशाला का बहुत ही जो सम्मानित आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके मंच पर उपस्थित संपूर्ण जी महाराज जी, हमारे आचार्य रामस्वरूप जी और गौ सेवा आयोग के सदस्य शरण कुमार गर्ग जी, हमारे साथ में आए भाई जगदीश जैन जी, गुप्ता जी, बलवान शर्मा जी, भीम सिंह जी और कुराना गौशाला के प्रधान जी, सभी सदस्यगण, विजय छाबड़ा जी और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तिगण और स्वामी जी मंच पर विराजमान हैं, मौन सबको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आए पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चे, बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज कुराना गांव के अंदर इलाके के सहयोग से एक बहुत ही शुभ कार्य है, 36 बरादरी के लोगों के सहयोग से, इलाके के सहयोग से जो गौ हमारी माता है उसकी रक्षा के लिए गौशाला का बना करके बहुत अच्छा शुभ कार्य किया है। और यह कार्य विशेष एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं चलते, इसमें चाहे सरकार है, हम सब मिलजुल करके इन सभी कार्यों को पूरा करेंगे तभी संभव हो पाएगा। इसलिए इस कार्य में हम सबको मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए विशेष तौर से आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार भी गौओं के प्रति, हमने योजना बनाई है और अब तक कोई भी जो कार्य होता है जब तक इसको विधि रूप से चलाने के लिए ऊपर से कोई आयोग वगैरह गठन ना हो तब तक ये काम सुचारू रूप से चलने वाले नहीं है। तो पहली बार हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने गौ आयोग का गठन किया, उसके हमारे भानीराम मंगला जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इसमें 9 मेंबर हैं, जिसमें से एक हमारे श्रवण कुमार गर्ग जी भी बैठे हैं, खरब साहब हैं, तो 10 मेंबर और 11 चेयरमैन की कमेटी आयोग बना गया है। उस आयोग को पूर्ण रूप से अधिकार दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा गौओं की रक्षा कैसे की जाए, आयोग इस पर काम करता है। जैसा कि हमने इस आयोग को अधिकार दिए हैं कि एक गौशाला उसमें साल में हम 150 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उनके चारे के लिए सरकारी तौर पर पैसा देते थे, अब हमने 150 जो साल में एक बार देते थे अब 2 बार देने का फैसला किया है। और अभी गर्ग साहब जी मुझे बता रहे थे पीछे, मैं शाहपुर के प्रधान जी हमारे आए हैं उनके बीच में, हमारे जितनी भी गौशालाएं हैं किसी के 5 लाख किसी के 7 लाख चेक में खुद दे के आया था खरब, जो आयोग के मेंबर मेरे साथ थे,
तो अब शायद 54 लाख रुपया दोबारा फिरा है पूरे जिला की जो गौशालाएं हैं। वो 16 जनवरी को इन्होंने आयोजन रखा पानीपत में, दोबारा से चेक प्रत्येक गौशाला को बुला करके दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। इसके अलावा ये गौशालाएं कैसे आगे फले फूलें, हमने सरकार की तरफ से अधिकृत किया है। कोई भी ग्राम अपने गांव में गौशाला बनाना चाहता है, वो 1 एकड़ जमीन दे और उसकी बाउंड्री वाल के लिए 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और उसमें गांव का रख रखाव रखने के लिए ग्राम पंचायत का सहयोग हमने कहा कि वो करें। लेकिन जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं वो कैसे चले, इसके लिए हमने कानूनी तौर पर अधिकार दिए हैं। कोई भी ग्राम पंचायत किसी गौशाला को पट्टे पर जमीन देने का हमने अधिकार दिए हैं। 99 साल का दे, 30 साल का दे, 35 साल का दे, जिस गौशाला में 100 गौवें होंगी उसको हम 5 एकड़ तक सरकार की तरफ से, उस ग्राम पंचायत को हमने अधिकृत किया है कि गौशाला को वो लीज पर जमीन दे सकते हैं। ये हमने ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया, कानूनी तौर पर किया है। 100 गौओं के ऊपर 5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को अधिकार है, 200 होंगी तो 10, और इस तरह संख्या बढ़ती जाएगी तो जमीन भी बढ़कर दी जा सकती है। ऐसे हमने सरकार की तरफ से अधिकृत किया है। इसके अलावा गौओं की रक्षा कैसे हो सके, पूरे हिंदुस्तान में माननीय मनोहर लाल जी की ऐसी सरकार, हमने विधानसभा में कानून बनाया है कोई भी गौओं की तस्करी करेगा तो उसको हमने 10 साल तक का सजा का प्रावधान किया है। ये पहली बार हिंदुस्तान में हरियाणा सरकार है जो व्यक्ति गौओं की तस्करी करता हुआ मिल गया उसको कानूनी तौर पर 10 साल तक की सजा का हमने कानून बनाया कि उसको दी जाए 10 साल तक की सजा। और जिस गाड़ी के अंदर तस्करी करता मिलेगा फिर उसकी सुपरदारी करा लेते थे, अब वो व्यक्ति उस गाड़ी की सुपरदारी भी नहीं होगी, इसको कंडम कर दिया जाएगा। ऐसा कानून हमने गौओं के लिए बनाया है जिससे कि गौओं की तस्करी कम हो। और इसके अलावा जो गौशालाएं हैं, जिस प्रकार से चारा काटने के लिए ट्रैक्टर के आगे आप मशीन लगाते हैं, गौ माता के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन आई है, जैसे कि लकड़ी टाइप सी वो मशीन बनाएगी, गुल्ले जैसे कहते हैं, और चक्की है, गंडासा है, इस प्रकार के इक्विपमेंट्स जो गौशाला में यूज हो उसके लिए हमने 90% सब्सिडी हरियाणा सरकार की तरफ से देने का फैसला किया है। कोई 1 लाख रुपए की चीज आएगी तो 90,000 उसमें छूट हम सरकार की तरफ से देंगे। हमने गौशालाओं के प्रति ऐसा काम भी करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ नंदी गौशाला, पहली बार हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र नैण में गांव में 5 करोड़ की लागत से उस नंदी साड़ा गौशाला का जो आयोजन किया जा रहा है जो कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, उसका काम युद्ध स्तर पर है, जिससे कि जो आवारा जो
सांड है वो घूमते रहते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हम उन सबको, अशोक जी आ गए क्या, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे बीच के साथी कुराना गांव के जो एडीजीपी अशोक जी हमारे लिए तो आप भी आज अशोक ही हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए तो आज एडीजीपी नहीं अशोक जी हैं। तो अशोक जी हमारे बीच में आए हैं। अशोक जी वेलकम, हम इनके लिए कृष्ण है और आप अशोक ठीक है ना, कृष्ण और अशोक, हाँ कृष्ण और अशोक इकट्ठे हो गए भाई। नमस्ते, आओ जी, क्या हाल है? अरे जी ठीक है। हमारे एडीसी साहब आर्य जी भी आपके बीच में आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश में सरकारी तौर पर नंदीशाला खोलने का भी हमने फैसला किया है। और इतना ही नहीं, मेरे पास आज प्रधान जी हमारे प्रमोद भी जी आए हैं और हमारी बेटी इधरा बेटी हमारी बेटी जो मेयर बनी है अवनीत कौर, इसके लिए ताड़ियां बजाओ। जो पूरे हिंदुस्तान में पहली हमारी बेटी है जो 25 साल में जो मेयर बनी है और 75,000 से जीत कर इन्होंने कामयाबी की है, जो पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे छोटी बेटी बनी है, इनका स्वागत है। और मेरा छोटे भाई भूपिंदर, इनके पिताजी मेरा जीज है और ये इनसे पहले ये मेयर थे, अब पानीपत में नगर निगम के लिए दो पावर होगी हमारी बेटी और इनके पिताजी जो पहले मेयर रहे हैं, तो पानीपत का बहुत बड़ा विकास होगा। आपका स्वागत, बैठो बैठो बैठो। तो मैं बोल रहा था, हम सरकार की तरफ से तो हमारी ये योजना चल ही रही है और विशेष तौर से मैं जितने भी गौशालाएं हैं उनके प्रधान जी का और इलाकावासियों का इस बात का सहयोग करता हूं कि जैसे हमारे वैसे तो जिले में बहुत गौशालाएं हैं, शाहपुर गौशाला, कुराना गौशाला, कुराना है, रेर, धर्मगढ़, नारा, कितनी गौशालाएं, अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं जब बहुत अच्छे ढंग से और पानीपत में है, सिवा में है, सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं इसके सभी प्रधान जियों का मैं इस बात का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो इसलिए मेरे पास आवास मंत्रालय है, जेल है, परिवहन है, तो हमने भी पायलट प्रोजेक्ट पर गौशालाओं को कैसे बचा जाए, कैसे इनकी रक्षा हो सके, हमने पायलट प्रोजेक्ट पर फैसला किया कि मेरे पास 19 जेलें हैं और 19 जेलों में से तकरीबन 10-12 ऐसी जेलें हैं जो मेरे पास जमीन है, हमने जेलों में गौशाला खोलने का फैसला किया है। और पायलट प्रोजेक्ट पर हमने करनाल में माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आधारशिला रखवा करके जेलों में गौशाला खोलेंगे और उसमें जो हमारे बंदी हैं हम उनसे काम लेंगे और जो गाय का दूध है हम जेल में जो हमारे पास बंदी हैं उनको पिलाने का काम करेंगे और व्यक्ति को गाय का दूध पीने से बुद्धि भी आती है। कुछ ऐसे मेरे पास हार्ड क्रिमिनल भी बंद हैं, उन लोगों को भी बुद्धि ठीक होगी, तो हमने ये भी फैसला किया है। इसलिए आज ये मंच केवल गौशाला के लिए, वैसे तो आपके आशीर्वाद से 30 साल से मगर लगातार मुझे आप विधानसभा चुनाव लड़ा ही रहे, 25 साल से लगातार विधानसभा में आपके आशीर्वाद से जा रहा हूं, लेकिन अब माननीय
मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी संगठन ने प्रदेश की जिम्मेवारी भी तीन विभाग मेरे पास हैं, सारे हरियाणा प्रदेश में आना जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा इस राणा विधानसभा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर विशेष तौर से विकास कराने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं कोई अपने आप की बड़ाई के तौर पर नहीं कह रहा हूं, जब मैं विपक्ष में था आपके बीच में आता था मुझे काम के लिए कहते थे, मैं केवल एक बात कहता था, आज मैं विपक्ष में हूं सत्ता पक्ष में आया, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो आज कोई गांव ऐसा नहीं है, लाखों में नहीं करोड़ों में, इस चार साल में उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रांट दी है चार साल में। और मैं पुराने बात के भी आंकड़े आपको बताऊं, सड़कों का पैसा अलग है, नहर का पैसा अलग है, 1,80,00,000 रुपए पुराना गांव में सरकार की तरफ से चार साल में पैसे आ चुके हैं, 1,80,00,000 रुपया। और अब भी कई चौपाल हैं और विशेष तौर से जो फिरनी है जिसकी हालात बहुत खराब है उसका पैसा भी 15-20 दिन में आ जाएगा, 25,00,000 रुपये मैंने उस फिरनी के लिए भी मंजूर कर दिए। और जो पुराना गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की थी, मैंने चुनाव से पहले कहा था इस सरकार बनने के बाद टेल पर पानी लाकर छोड़ूंगा, कुछ इलाका भी रहता है, लेकिन आज पुराना गांव के लोग मेरे को यह भी सिफारिश करने आते हैं कि पानी ज्यादा आ गया पानी कम करा दो, आज पुराना गांव के गोस्से भी पानी में बंधे फिर हैं, ऐसे हालात नहीं, पहले एक बूंद नहीं आती थी टेल पर। इसी प्रकार से ऐर गांव की पानी की समस्या थी, ऐर लोहारी और लुप्पर के वासियों को मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो लोहारी माइनर है जिसकी टेल ऐर में पड़ती है उसकी भी मैंने मंजूरी करा दी है, टेंडर हो चुके हैं, अब 10-15 दिन में मैं पत्थर लगाने वाला हूं। अब ऐर गांव का जो पानी, जो खेती का, जो सिंचाई का पानी था, जो फसल पानी से वंचित रहती थी, अब टेल पे पानी लाकर छोड़ूंगा, वो भी आपकी माइनर नहर मंजूर करा दी है, बहुत जल्दी उसका काम शुरू करवा रहा हूं। और मैं प्रयासरत हूं, जो मेरे प्रयास होते हैं वो सफलता में जाते हैं। पुराना गांव के एक पारा, उसकी भी डिमांड है, मैंने उसका केस यहां से चालू कराया है, एक्शन एसडीओ एससी सबसे उसकी फिजिबिलिटी बन चुकी है, अभी बोर्ड की मीटिंग में केस लगना है। मेरी पूरी कोशिश है कि पुराना गांव में 33 केवी का पावर हाउस भी लगे, मैं उसमें कोशिश में हूं। आपकी नाले की बहुत भारी समस्या थी, 2-2.5 किलोमीटर का नाला सड़क के साथ साथ बनवाया, पूरी सड़क को गांव के बीच को दोबारा से रिपेयर कराने का काम किया, और बस स्टैंड से लेकर नाला अधूरा था उसके भी मैंने पैसे जारी कर दिए, शायद उसका भी हमने बता रहे थे काम चालू है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में आप देख लेना जितनी सड़कें अच्छी, इस राणा विधानसभा की नई सड़कें बनी है, कम से कम 2 सड़कें तो आपके गांव में भी नहीं बनी है, आप छिछड़ाना से कुराना गौशाला के पास वाली सड़क भी अभी मुझसे चल कर आया हूं, शायद एक पाथरी से कुराना भी बनी है ना, 2-3 सड़कें तो अभी बनी है, जो पुरानी सड़कें जो हैं उन सब की रिपेयर करके प्रेस की करा दी जाएगी। और इसी वीक के अंदर मतलोडा से लेके और ट्योला तक की जो सड़क है जिससे आप मतलोडा जाते हैं वो टूटी फूटी है बिल्कुल, प्रेस की 18 मीटर की वो बना दी जाएगी, तो उस पर जहाज उतार लियो, ऐसी सड़क उसको भी बनवाने जा रहा हूं। पूरे हलके में नई सड़कें हैं, 30-32 नई सड़कें अभी मंजूर कराई थी जिनके टेंडर हो चुके हैं, कुछ काम चालू है, तो मेरे को टिप्स में पता है, मुझे कागज पर लिखने की जरूरत नहीं, कौन से गांव में क्या समस्या है
उन सबको मैं समय समय पर पूरा करवाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इस राणा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में कोई मूलभूत सुविधा से कोई वंचित नहीं रहेगा। और पूरे हल्के में 90% से ज़्यादा ऐसी चौपालें हैं, जनरल चौपाल है, ऐसी चौपाल है, किसी भी समाज की चौपाल है, सारी की सारी या तो मैंने पढ़वा कर नए सिरे से बनवाई है या नई चौपाल थी तो उसको नए सिरे से बनवाया है। शायद 10% चौपालें रहती होंगी, ये सब किया तो रिपेयर कराई है या नए सिरे से चौपाल बनवाई। और इसके अलावा प्रधान जी ने ठीक बताया, हमने तय किया सरकार की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, हम सरकार की तरफ से उनकी चार दीवारी कराएंगे, पीने का पानी का प्रबंध करेंगे और उसमें शेड बनाएंगे। हम सरकार की तरफ से बगैर किसी डिमांड के हम पैसा भेज रहे हैं। और जो तालाब हैं, जो पशुधन के लिए जो प्रयोग हो सके उसके लिए भी हम सरकार की तरफ से अलग से पैसा देने का हम काम करेंगे। उसी रिटेनिंग वाल बनाएंगे, कऊ घाट बनाएंगे। और अब हमने तय किया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी हमारे खेतों के रास्ते हैं, जो 3 क्रम के, जो 4 क्रम के हैं, क्योंकि 5 और 6 क्रम से कम मार्केटिंग बोर्ड सड़क बना नहीं सकता, रोक है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से कहा, जो किसान वर्ग है खेतों से जब अपनी फसल लेकर आता है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अब हमने तय किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम इसी योजना में अभी 25 किलोमीटर तो हम इसी योजना में हर विधानसभा क्षेत्र में खेतों के रास्ते पक्के करेंगे। और 500 किलोमीटर हर विधानसभा में आने वाले जो समय है, 5 साल का कार्यकाल रखा उसके अंदर हम पूरा करेंगे। और 25 किलोमीटर तो अभी हम बहुत जल्दी में खेतों के जो रास्ते जो 3 क्रम 4 क्रम के हैं, गांव से दूसरे गांव का खेतों में जाने वाले रास्ते सबको पक्का कर रहे हैं। उसमें हम जो भट्टे की ईंट जो ब्रिक्स है उससे खड़ौंजा लगवाएंगे, ये भी हमने फैसला किया है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि बिजली विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है लेकिन विधानसभा में उनके डिपार्टमेंट के जवाब मैं खुद देता हूं, और अब हमने तय किया है पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी डेरा है, ढाणी है, जो अब जो कनेक्शन उसका एग्रीकल्चर फीडर से था, अब हमने तय किया है कि जो गांव का जो लाल डोरा है उसके 1 किलोमीटर के चारों एरिया में जितने भी डेरे और ढाणी हैं, अब वो खेतों की बजाय गांव से उनको बिजली दी जाएगी, गांव से अलग से लाइन खींची जाएगी। जो खेतों में ढेरा ढाणी में रहने वाले जो व्यक्ति भी हैं वो अपनी मूलभूत जीवन की है जो अच्छे ढंग से गुजारें, ऐसा हमने फैसला किया है। और एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जो गांव के बिजली के जो बिल हैं, जो डिफॉल्टर हैं, बगैर ब्याज के, बगैर सरचार्ज के, वो एकदम से भर सकते हैं और 6 किस्तों में भर सकते, कोई उस पर ब्याज नहीं लगेगा। और हमने बिजली के रेट भी कम किए हैं, कोई व्यक्ति 1 महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करेगा, पहले 4.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपका घर का बिल आता था, अब 1 महीने में 200 यूनिट तक आप बिजली खर्च करेंगे, अब आपके हमने आधे रेट कम कर दिए, 2.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपका बिल आएगा। जो बिजली का बिल घर का है वो हमने उसके आधे रेट कर दिए हैं, जिससे कि आपको बिजली की भी सहायता सुविधा मिल सके। बहुत से ऐसे चिंता ना करो, BNR की मैं करा दूंगा।
एक्शन को कह देंगे, प्रधान जी उसमें क्या हो सकता है, ठीक है जो सड़क टूटती हुई मेरे को कह देना, मैं एकदम से उसका एस्टिमेट। ये सोनीपत एरिया गुहाने में होगी ना, पाथरी वाली मार्केट क्या कर रखा है, हाँ मार्केटिंग बोर्ड की है, चिंता ना करो आज ही बोल दूंगा, आज ही बोल देते कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल रहा था कि इस प्रकार की बहुत स्कीम है जिससे आम आदमी को उसका लाभ पहुंचता है। रही फिर अब अनुदान की बात, मैंने एक तय कर रखा है पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं कम से कम 40 लाख रुपए एक साल में गौशालाओं के लिए देता हूं। क्यों प्रधान जी, शाहपुर वाले गलत तो नहीं है, सबका जाता है ना, बगैर मांगे 5 लाख रुपए कोई मांगे या ना मांगे हर साल में गौशाला में भेज देता हूं, और जिसमें 5 लाख कुराना के आगे भाई एक बार शुरुआत ही बिता था मैं करूँ, एक के बार आएंगे शाहपुर वाले ने पूछो कितने बार आ लिए, जब शुरुआत जब तक कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा कोई पैसा नहीं मिलेगा। प्रधान जी अभी आपने रजिस्टर्ड कराई है, जब 5 लाख मैंने आयोग की तरफ से दे दिए, 5 लाख अपनी तरफ से, 10 लाख आपके पास आ चुके, एक एक पैसा मेरी उंगलियों पे है, मेरे से कोई छिपी नहीं हुई बात, ठीक काले काले अभी तब रजिस्टर कराई तब थारे में गौ में थारी अभी कम है इसलिए थारे पैसे भी कम आए हैं, 150 रुपये गौ के हिसाब से मिलते हैं थारे 84,000 हैं, नहीं 5 लाख इनके आए हैं, 5 लाख पीछे दे तुम्हें। तो मैं कह रहा था मैंने क्राइटेरिया बना रखा कि बगैर मांगे मैं अपने अच्छी कोटा है उससे 5 लाख रुपये हर साल में देता हूँ। अब भी इस गौशाला के अंदर में आया हूँ जबकि एक साल में हम अपने DQ से 2 बार ग्रांट नहीं दे सकते, तो इसलिए मेरी 1 अप्रैल से दोबारा फिर अगली ग्रांट चालू होगी। तो मैं वैसे तो 5 साल से मैं 5 लाख से ज़्यादा देता नहीं क्योंकि सबके लिए बराबर है मेरा, फिर भी नई गौशाला है मैं अपने DQ से 11 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूँ। नहीं थोड़े दाने सुना भाई, अरे किसने नारे, बात सुनो भाई, अरे बात सुनो, बात सुनो, नहीं 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 ये बात नहीं चलेगी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैं बात सुनो, इस तरह हाथ लाने काम नहीं बनता, कानून की बात है कानून से चलेगी, बात सुनो, अरे बात सुनो यार, ये थोड़े वहाँ बैठे बैठे हाथ ला दिया, ये बात नहीं बनती, और मैं पहले मनाई कर रहा था इस बात को लेकर, कानून की बात कानून से चलेगी। मैंने सारी गौशालाएं देख ली, 5 लाख से 6 लाख कहीं देता मैं, 40 बात मंत्री की नहीं है, एक एक उसमें 25-25 लाख रुपए दे लिए मैंने, इसलिए 5 पहले भेज दिए हैं, 5 से मैं छटा नहीं देता, फिर भी ये नई गौशाला है इसके लिए मैं 11 लाख रुपए घोषणा करता हूँ। और भाई और कोई मंत्री वगैरह प्रोग्राम भी दिला दूंगा, उससे भी दिला दूंगा प्रोग्राम कर लिए तुम, मैंने नहीं पता मई पाल से बात करना, मेरे अकाउंट आएगा, मैं अपने जब जिम्मेवार हूँ, और किसी मंत्री या प्रोग्राम करे उसका करा दूंगा, ठीक है, मैं किसी जिम्मेवारी लेता, अपने DQ की जिम्मेवारी लेता, मैं भेजूंगा भेजे हैं, जो बात कह के जाता मैं पूरी करता हूँ, उसको दूरी नहीं छोड़ता फिर, और किसी का दान और मैं दानी गेलो लेकर अपनी गाड़ी में बिठा कर मैं पैसे दे के जाऊंगे, मैं अपनी गाड़ी में गेलो बिठा कर ले रहा हूँ, पैसे देने वाले में गाड़ी बिठा लिया कईयों को। तो इसलिए आप सबसे अपील है जब भी कोई आप एनुअल फंक्शन करते हो आप संपर्क किया करो, 2-4 मंत्रियों को हम साथ ले आवें, हम सबसे सहयोग करते रहेंगे जिससे कि जो हमारी गौशाला है ये फले फूले आगे बढ़े। भारत माता की जय और गौ माता की जय।